Good afternoon, dear students. I'm going to explain question answer from chapter Footprints Without Feet from their book Footprints Without Feet. We will discuss only important questions from the chapter. First question is, why were the two boys in London surprised and fascinated? Means दो बॉयज जो थे लंदन में सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड क्यों थे? द टू बॉयज इन लंदन सॉ अ पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स. उन्होंने क्या था, एक पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स उन्होंने देखा था. द फुटप्रिंट्स अपीयर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द हाउस. ठीक है, उनकी जो हाउस की जो फुट स्टेप्स थी, हाउस के में जो ऊपर जा रही थी, उनके बीच में उन्होंने फुटप्रिंट्स देखे थे. बट द मैन वॉज नॉट विजिबल. उसमें उनको जस्ट ना फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे. वहाँ पे कोई आदमी उनको दिखाई नहीं दे रहा था. जस्ट फुटप्रिंट्स चलते चलते आगे आगे चलते दिखाई दे रहे थे. तो उनको ये देख के इट वॉज अ सरप्राइज फॉर टू बॉयज. देखो कि आदमी नहीं है, पर्सन नहीं है वहाँ पे, कोई भी आदमी नहीं है वहाँ पे, और फुटप्रिंट्स जा रहे हैं, अकेले पैर जा रहे हैं. देखो पैर क्या, फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं. जस्ट ये से कोई चल रहा है, ठीक है, मड के बीच में से निकल के आ रहा है कोई आदमी. तो सरप्राइज की बात तो है ना, ह्यूमन बीइंग नहीं है, प्रिंट्स बन रहे हैं, फुटप्रिंट्स बन रहे हैं ना. तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं दोनों. दे कुड नॉट नो वेयर द मैन वॉज. ठीक है, उनको नहीं पता था कि वो आदमी कहाँ है. सोन फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. ठीक है, जल्दी से उनको लगता है कि कहीं से भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. बॉयज वर गेज्ड एंड गेज्ड. दोनों लड़के जो देखते रहते हैं, देखते ही रहते हैं. गेज्ड मीन्स स्टेयर्ड, मीन्स लुक्ड. इट वॉज अ रिमार्केबल सीन. मीन्स एक रिमार्केबल सीन होता है उनके लिए. फर्दर footprints further they followed the footprints moved down the steps into the street. ठीक है, स्टेप से ऊपर से रूफ के ऊपर से मीन उनकी जो स्टेप्स थी, जो घर की सीढ़ियां थी, उनके बीच में से होके नीचे आगे स्ट्रीट तक चले जाते हैं जो फुटप्रिंट्स होते हैं. द बॉयज फॉलोड देम. जो लड़के थे दोनों, उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया. कब तक? दे बिकेम फेटर एंड फेटर. आगे आगे चलते जो फेंट होते जाते हैं वो लाइट होते जाते हैं, लाइट ही होते जाते हैं. ठीक है, एट लास्ट दे बिकम इनविजिबल. लास्ट पे जाके जो फुटप्रिंट्स थे उनको इनविजिबल हो गए, दिखाई देना हट गई. ठीक, ऑल दिस सरप्राइज एंड फैसिनेटेड द टू बॉयज. इसी वजह से जो दोनों लड़के थे वो सरप्राइज भी हुए, फैसिनेटेड. मीन आदमी तो वहाँ पे कोई नहीं था, जस्ट फुटप्रिंट्स उनको दिखाई दे रहे थे. इसी वजह से उनको लगता है कि क्या है, मीन कोई गोस्ट जा रहा है जहाँ, समथिंग कुछ ऐसा जा रहा है, क्या है, प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, उनको ये देख के बहुत ज़्यादा मीन वो सरप्राइज थे ये दोनों लड़के थे. नेक्स्ट इज हाउ डिड ग्रीफन बिकम इनविजिबल. वो इनविजिबल कैसे हो गया जो ग्रीफन था? ग्रीफन वॉज अ साइंटिस्ट. ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. ही वॉज अ इंटेलिजेंट साइंटिस्ट. ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग. कुछ ऐसी अलग सी ड्रग बनाई उसने. ड्रग क्या थी? इट कुड मेक एन अनक्लोथ मैन इनविजिबल. ये ड्रग को स्वेलो करने की वजह से कोई भी आदमी जिनके कपड़े नहीं पहने हुए हैं वो इनविजिबल बन जाता, वो दिखाई देना हट जाता. ग्रीफन वाज अ इंटेलिजेंट साइंटिस्ट एंड ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग. The drug could make an unclothed man invisible. ठीक है, ये जो ड्रग था एक अनक्लोथ जो आदमी था उनको इनविजिबल बना देता था. He swallowed this drug and took off his clothes. ठीक है, ग्रीफन ने ड्रग को अपने अंदर निगल लिया एंड वो अपने क्लोथ उतार दिए. एंड he became invisible. How did Griffin become invisible? कैसे इनविजिबल बनते हैं वो? He was a scientist. He discovered a rare drug. And this could make an unclothed man an invisible. ठीक है, जो ड्रग उसने बनाई थी उसमें से जो अनक्लोथ आदमी था जिसने कपड़े नहीं पहने होते थे वो इनविजिबल बन जाता था उस ड्रग की वजह से. तो he swallowed that drug. उसने अपने अंदर वो ड्रग निगल ली and took off his clothes. अपने क्लोथ उतार दिए. Then he became invisible. How did Griffin enjoy himself at the big London store? Big London store में वो अपने आप को कैसे enjoy करते हैं? It is cold, very cold. It was the month of December, so it was very cold. Griffin was without clothes. Griffin क्या है, उनके कपड़े नहीं पहने हुए थे. क्यों? क्योंकि वो invisible बनना चाहता था ना, इसलिए उसने अपने कपड़े उतार लिए थे. And ही वॉज ट्रांसपेरेंट। बच्ची उसकी बॉडी तो थी, उसको ठंड भी लगती थी, उसको गर्मी भी लगती थी, बट वो दिखाई नहीं दिया, वो ट्रांसपेरेंट लाइक अ ग्लास जैसा वो ट्रांसपेरेंट था। ठीक है, तो जब उनके कपड़े नहीं पहने हुए तो उसको ठंड ऐसे लग रही थी, अगर वो कपड़े पहन लेता तो विजिबल हो जाना था। ठीक है, तो इट इज़ वेरी कोल्ड ग्रीफन वाज विदाउट क्लोथ, ही ब्रोक ओपन सम बॉक्सेस एंड फाउंड वार्म क्लोथ फॉर हिमसेल्फ। वहाँ पे लंदन स्टोर में जब वो जाता है कि वहाँ से कुछ बॉक्सेस उनको ओपन करता है, उनको ब्रोक करता है, ब्रोक करके उनको ओपन करता है एंड फाउंड वार्म क्लोथ फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए वो एक वार्म क्लोथ फाइंड आउट करता है। एंड ही वेंट इनटू किचन, किचन में जाता है एंड देयर ही एट मीट एंड ड्रैंक कॉफी, एट मीट खाता है एंड कॉफी पीता है। एंड ही हैड स्वीट्स एंड वाइन आल्सो, स्वीट्स भी खाता है वहाँ से, वाइन भी पीता है वहाँ से। एंड देन ही ले अस्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्वेल्स, क्वेल्स होती हैं बच्चे रजाइयाँ जो होती है। ठीक है, फिर बाद में वो रजाइयाँ जो हैं उनके ऊपर वो पाइल जो बड़ा लगा हुआ है एक उनके ऊपर सो जाता है। तब दास ग्रीफिन इंजॉयड हिमसेल्फ इन अ स्टोर, मीन्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है लंदन स्टोर में। कि पहले उनको ठंड लग रही होती है तो उन ठंड से बचने के लिए वो एक लंदन स्टोर में जाता है, वहाँ पे जाके वो कपड़े भी पहनता है, वहाँ से फ्री में उनको कपड़े मिल जाते हैं, कोई पैसे भी नहीं लगाने पड़ते हैं ना। तो किचन में जाता है, अच्छा खाता है, मीट खाता है, कॉफ़ी पीता है, स्वीट्स खाता है, वाइन पीता है, आफ्टर दैट वहाँ पे अच्छे से सो जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रीफन डिडंट वेक अप इन टाइम, वो जब वो टाइम पे नहीं जाग पाते तो क्या होता है। द स्टोर वाज ओपन इन द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग में स्टोर ओपन होता है। द असिस्टेंट्स सो ग्रीफन लाइंग ऑन द पाइल ऑफ क्वेल्स, वो उनको ग्रीफन को देखते हैं कि वो पाइल ऑफ क्वेल्स के ऊपर सो रहा होते हैं। टू ऑफ देम केम टूवर्ड्स ग्रीफन, वो ग्रीफन की तरफ जाते हैं, उनमें से टू जो होते हैं। जस्ट देन ग्रीफन वोक अप, He at once got up and ran out of the store. जल्दी से वो उठता है, बहुत जल्दी से, in a once means जल्दी से वो उठता है। And then he ran out to the store. फिर वो स्टोर से out of the store means स्टोर के बाहर दौड़ के निकल जाता है। ठीक है, then he took off his clothes and became invisible again. What did Griffin do in the shop of theatrical कंपनी, थिएट्रिकल स्टैम्प जो कंपनी है, थिएट्रिकल जो कंपनी है वहाँ पे जो एक शॉप है उसमें वो ग्रीफन क्या करता है। ग्रीफन फाउंड क्लोथ फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए वो क्लोथ फाइंड आउट करते हैं। इन थिएट्रिकल कंपनी में भी सेम ही करते हैं, वो अपने लिए क्लोथ फाउंड आउट करते हैं। ठीक है, लंदन स्टोर में भी उन्होंने अपने लिए क्लोथ फाइंड आउट किए थे। ही फाउंड क्लोथ फॉर हिमसेल्फ एंड आल्सो फाउंड थिंग्स टू हाइड हिज एम्प्टी फेस। अब क्या है कि जैसे ना उसने जहाँ तक उसने क्लोथ पहने हुए हैं सिर्फ वहाँ तक ही दिखाई देता वो, अगर उसने अपने शोल्डर तक कपड़े पहने हुए हैं तो शोल्डर तक दिखाई देगा, उसको हेड दिखाई नहीं देगा। देन ही बिकेम हेडलेस मैन, तो उसको क्या है कि अपने अगर उसने हेड अपना शो करना है तो हेड को भी कवर करना पड़ेगा, इसीलिए उसने बैंडेजेस से कवर, ही फाउंड बैंडेजेस टू वेयर राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड के ऊपर उसने बैंडेजेस पहने, पट्टियाँ लगा ली। एंड फाउंड डार्क ग्लासेस मीन्स आईज, अदरवाइज उनकी आईज इनविजिबल रहेंगी, तो आईज के ऊपर उन्होंने क्या किया, डार्क जो ग्लासेस हम वो लगा लिए। एंड फॉल्स नोज, अगर फिर नोज नहीं दिखाई देगा, अगर नोज के ऊपर कुछ नहीं लगाएगा तो उसने फॉल्स नोज लगाया। एंड अपने हेड के ऊपर एक लार्ज हैट पहना। ठीक है, अपने आप को विजिबल करने के लिए उसने पहले तो अपने लिए कपड़े फाइंड किए, देन अपने फेस को शो करने के लिए अपने ऊपर बैंडेजेस लगाई, फेस के ऊपर कवर किया अपना फेस, एंड ग्लासेज लगाई अपनी आईज के ऊपर, है ना। एंड फॉल्स नोज एंड लार्ज हैट उन्होंने पहना अपने लिए। ठीक है, देन ही हिट द शॉपकीपर, फिर उन्होंने जो वहाँ का एक शॉपकीपर था उसको हिट किया। एंड रेन अवे विद हिज मनी, उनसे मनी चुरा के वो वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो लंदन स्टोर में, क्या करते हैं वहाँ पे जाके जस्ट कपड़े पहनते हैं, चोरी करते हैं कपड़े वहाँ से, कपड़े पहनते हैं और वहाँ से खाते पीते हैं और सो जाते हैं। लंदन स्टोर में इतना ही काम करते हैं। बट शॉप ऑफ थिएट्रिकल कंपनी में, थिएट्रिकल कंपनी में क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, आफ्टर दैट अपने फेस को भी कवर करते हैं विद बैंडेजेस, विद डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज एंड लार्ज हैट। देन ही हिट द शॉपकीपर, शॉपकीपर को भी हिट करते हैं। देन रैन अवे विद हिज मनी, उससे जो शॉपकीपर हैं उनसे मनी स्टील करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों में कंफ्यूजन होती है, क्लियर कर लेना अपना। स्टोर में वो जस्ट जाके कुछ चोरी वगैरह नहीं करते, बस जस्ट कपड़े ही चोरी करते हैं, मनी वगैरह नहीं करते। ठीक है, थिएट्रिकल कंपनी में शॉपकीपर को हिट भी करते हैं और वहां से मनी भी चोरी करते हैं। What was the curious episode? It's very important question. What was the curious episode that took place in clergyman's house? Clergyman priest होता है, जो चर्च में priest होते हैं। ठीक है, curious episode क्या होता है clergyman के house में? एक priest के घर पे क्या curious episode होता है? Clergyman and his wife heard noises in their study room. अपनी study room में clergyman और उनकी जो wife हैं वो आवाजें सुनती हैं। They got up and went downstairs. जल्दी से उठती हैं दोनों, यानी क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ, एंड डाउन स्टेयर से नीचे चले जाते हैं, स्टेयर से नीचे चले जाते हैं। दे हर्ड अ चिंक ऑफ मनी। चिंक ऑफ मनी जैसे कॉइन्स की साउंड आती है ना, वो चिंक ऑफ मनी होती है। ठीक है, वो कॉइन्स की साउंड वहां से आ रही होती है। एंड समवन वाज टेकिंग आउट मनी फ्रॉम क्लर्जीमैन डेस्क। क्लर्जीमैन के डेस्क में से कोई मनी चोरी कर रहा होता है। जो सिक्के जो होते हैं, कॉइन्स जो होते हैं, वो चोरी करने के, वो निकलने की आवाज़ आ रही है। एंड दे सर्च्ड बिहाइंड द कर्टन्स। वो जो उनके रूम में कर्टन्स लगे हुए हैं उनके पीछे में वो सर्च करके देखते हैं। एंड इवन चेकड द चिमनी, जो घर में चिमनी है उसको भी चेक करते हैं। एंड देयर वाज नो साइन ऑफ एनीबॉडी, किसी का कोई भी साइन नहीं वहाँ पे। स्टिल द डेस्क हैड बीन ओपनड, उनका जो डेस्क है वो ओपनड है, किसी ने ओपन किया, वहाँ से मनी चोरी की। एंड मनी वाज मिसिंग, मनी भी वहाँ पे नहीं है, डेस्क भी ओपन है, खुला ही छोड़ के चले गए करीबन। And money was missing there, and it was really a strange thing. और तो strange thing, एक पर्सन दिखाई नहीं दिया उनको। ठीक है, डेस्क ओपन है, पर्सन दिखाई नहीं दिया, मनी मिसिंग है वहाँ से। ठीक है, उनके लिए एक सरप्राइज की थिंग है, strange thing है। The clergyman kept wondering about it all day. पूरा दिन जो clergyman है इसके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या बात क्या आखिर इसके बीच में। The landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है, जहाँ पे उन्होंने रूम नहीं रेंट पे लिए थे, 2 रूम्स रेंट पे लिए थे ना, वहाँ पे वो रेंट के जो रूम लिए थे उनका जो लैंडलॉर्ड है, उनकी जो वाइफ है वो कन्विंस दैट ग्रिफिन वाज अ सेंट्रिक साइंटिस्ट। मींस एक अजीब किस्म का साइंटिस्ट है वो। व्हाट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीज टर्म्स? कौन से टर्म से पता चला कि वो एक अजीब काइंड ऑफ आदमी है वो। ग्रिफिन केम टू द इन विंटर। देखो, पहले तो वो विंटर जो सीजन होता है ना, क्रिसमस जो सीजन होता है, दिसंबर का जो मंथ होता है, क्लोज सीजन होता है। इन लंदन इट वाज द क्लोज सीजन, बंद होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। इस सीजन में कोई भी बाहर नहीं निकलता। तो अजीब बात है कि कोई पर्सन उनके घर पे रेंट पे लेने के लिए आया है, कब? जब क्लोज सीजन चल रहा है ना। नोबडी विजिटेड द इन इन विंटर। इस विंटर में कोई भी उनकी इन में नहीं जाता। His arrival at the inn in winter was an unusual thing. ये बहुत different kind of thing थी। Its appearance was also uncommon. His appearance मीन उसके बैंडेजेस पहने हुए हैं, और नोज पहना हुआ है ना, तो मीन जो एक अजीब काइंड ऑफ आदमी उनको लग रहा है, अनकॉमन सा लग रहा है। He wore dark glasses, false nose, long hat. ठीक है, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है उनको। And Mrs. Hall tried to be friendly with him. Then Mrs. Hall जो है उनके साथ फ्रेंडली होना चाहती है, क्योंकि जानना चाहती है कि एक तो ऐसे मौसम में आया है, दूसरा वो अजीब काइंड ऑफ अपीयरेंस है उसकी, है ना, तो उनके साथ फ्रेंडली होना चाहती है। बट ही गॉट एंग्री विद हर, तो वो उनके साथ गुस्से हो जाता है कि मेरे साथ बात मत करना। ठीक है, ही सेड दैट आई वांट अ लॉनलीनेस, कहता मैं यहाँ पे लॉनलीनेस मींस मैं अकेला चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ यहाँ पे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क। वो साइंटिस्ट है ना, तो उसने बोल दिया कि आई हैव टू डू माई प्रोजेक्ट वर्क, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, सो डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, उसने मना कर दिया कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। ही डिड नॉट वांट टू टॉक एनीवन, किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। ऑल दिस मेड मिसेस ऑल थिंक दैट ग्रिफिन वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। ऐसे करने से उनको लगता है कि ये एक अलग काइंड ऑफ वो जो साइंटिस्ट है। देन डिस्क्राइब ग्रिफिन्स एक्टिविटीज इन द ब्लेज ऑफ आइपिंग। बाद में लंडन स्टोर, देन कहाँ पे गए थे? थिएट्रिकल शॉप पे। आफ्टर दैट कहाँ पे वो उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया था कि फिर आफ्टर दैट क्लर्जीमैन के हाथ पे चोरी की है ना, तो आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि लंदन को छोड़ के, क्योंकि लंदन वहाँ बिग सिटी, उसने डिसाइड कर लिया कि कहीं किसी प्लेस में चले जाते हैं। ठीक है, ग्रिफिन फर्स्ट एडवेंचर वाज एट क्लर्जीमैन हाउस। सबसे पहले किनके घर पे गए थे? क्लर्जीमैन के हाउस में। ही स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्जीमैन। आईपिंग में सबसे पहले एक्शन कौन सा किया था? सबसे पहले वाला एक्शन उनका था क्लर्जीमैन के घर पे जो चोरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ फॉर द चंक ऑफ मनी व्हाट ही दे सॉ नोबडी वाज इन द रूम। उन्होंने उनको लगा कि कोई चोरी तो कर रहा है क्योंकि पैसे भी वहाँ पे नहीं है और आवाज भी वहाँ से आई थी कुछ चोरी करने की, है ना, और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इट फेल्ड देम विद सरप्राइज, ऐसे कि वो सरप्राइज होती। फर्स्ट एडवेंचर उसका देखा। सेकंड क्या था? ग्रिफिन द नेक्स्ट एडवेंचर वाज एट मिसेस हॉल्स इन। उनके हॉल के मिसेस हॉल का जो इन है उनकी वहाँ पे जाके उसने रूम रेंट पे लिए थे ना, 2 रूम रेंट पे लिए थे। तो उसमें सेकंड जो नेक्स्ट जो एडवेंचर होता है उनके रूम में होता क्या? रिमेनिंग इनविजिबल ही थ्रू हिज हैट एट मिसेस हॉल। उसने क्या है कि इनविजिबल था वो, मिसेस हॉल के ऊपर पहले गया, उसने हैट पहना, देन डॉला मीन फेंका, देन चेयर रोज, इतने में चेयर ऊपर उठती है एंड पोस्ट हर आउट ऑफ द रूम, एंड जो मिसेस हॉल है उनको रूम के बाहर फेंक देते हैं वो, ठीक है। ये क्या है कि सरप्राइज की थिंग है कि पर्सन कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसको कोई पुश कर रहा है, हैट फेंक रहा है, कोई थिंग्स इधर उधर फेंक रहा है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा। तो ये भी एक सरप्राइज की थिंग थी उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? पीपल थॉट सम बैड स्पिरिट एट वर्क। लोगों को ये लगता था कि जो कोई आत्मा है, जो कोई गोस्ट है, ठीक है। ग्रिफिन्स थर्ड एडवेंचर, थर्ड क्या था? वाज विद द कांस्टेबल। थर्ड एडवेंचर कांस्टेबल जो पुलिस ऑफिसर था वहाँ के, उनको अरेस्ट करने के लिए आया था, तो उनके साथ थर्ड एडवेंचर उनका होता है। व्हेन द कांस्टेबल ट्राई टू कैच हिम, जब उसने कैच करना चाहा, ही स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स। उसने अपने क्लोथ्स टेकिंग ऑफ मीन उतारने शुरू कर दिए। पहले उसने अपने बैंडेज उतार दी, देखो हेडलेस बन गया, उसको लगता है कि हेडलेस आदमी को पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे। आफ्टर दैट उसने शर्ट रिमूव की, ट्राउजर मीन जैसे जैसे वो क्लोथ्स रिमूव करता गया, टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स ही बिकेम मोर एंड मोर इंजरी। पहले हेड से अपने बैंडेज उतारी, हेड दिखाई देना और ग्लासेज उतारी, आईज दिखाई देना हट गई, नोज उतार दिया, नोज दिखाई देना हट गया, ठीक है। इनमें ग्लव्स उतार दिए। तो ऐसे ऐसे मीन वन जैसे वो अपने क्लोज उतार रहा था एज वेल एज वो इनविजिबल हो रहा था, ठीक है। ही हिट द कांस्टेबल विद अनसीन ब्लोज। अब वो दिखाई तो नहीं दे रहा, इनविजिबल हो गया, तो अनसीन ब्लोज के साथ वो कांस्टेबल को हिट करता है। एंड द कांस्टेबल फेल डाउन अनकॉन्शियस, ठीक है। जैसे उसको हिट करता है वो अनकॉन्शियसली जो कांस्टेबल वो गिर जाता है। दस ग्रीफन एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेज। ऐसे उनको हिट करके कांस्टेबल को नीचे गिरा के वो वहां से एस्केप हो जाता, वहां से बच के निकल जाता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्कवरीज ऑफ साइंस कैन बी यूज्ड फॉर वेलफेयर एज फार एज डिस्ट्रक्शन। कहते हैं जो साइंस की डिस्कवरीज हैं ये हमारे लिए एक वेलफेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज समवेयर हम इनको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। बट इज दिस एप्लीकेबल टू ग्रिफिन साइंटिफिक डिस्कवरी? तो हाउ इज दिस ग्रिफिन के लिए जो कैसे हैं? एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से अपने एग्जाम्पल्स देके अपने इसको एक्सप्लेन करना है ना। साइंस इज बोथ ब्लेसिंग एंड कर्स। ब्लेसिंग भी है हमारे लिए, कर्स भी है। साइंस से बहुत सी अच्छी हमें एडवांटेजेस हैं एज वेल एज डिसएडवांटेज है। आपको पता ही है कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल के क्या है एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस भी आपको पता ही है टीवी के, है ना। कि साइंस की जैसे इन्वेंशन जो होती हैं इनकी एडवांटेज होती हैं एज वेल एज डिसएडवांटेज भी होती हैं, ठीक है। इट्स डिस्कवरीज कैन बी यूज्ड फॉर वेलफेयर एज वेल एज डिस्ट्रक्शन। इनकी जो यूज कर रहे हैं हम उनको वेलफेयर के लिए भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए भी कर सकते हैं। दिस इज क्लियर फ्रॉम द प्रेजेंट स्टोरी। इस स्टोरी से बहुत अच्छे से क्लियर है। ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। ही डिस्कवर्स अ रेयर ड्रग। उसने एक रेयर ड्रग डिस्कवर की थी। इट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। जो ड्रग क्या थी कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना सकती थी। His discovery could be profitable used by the police. जब पुलिस ने किसी को अरेस्ट करना है, अगर वो ये ड्रग को कर लेंगे, अपने अंदर स्वेलोट कर लेंगे, तो वो कभी भी मीन्स जो क्रिमिनल्स हैं उनको बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। या फिर सिक्योरिटी टू प्रिवेंट क्राइम्स। सिक्योरिटी गार्ड उनको डालेंगे, किसी को दिखाई नहीं देगा कि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे खड़ा हुआ है और आगे से निकलने जाएंगे तो वो उनको बहुत जल्दी से पकड़ सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स एंड नैब क्रिमिनल्स, ठीक है। जो अगर पुलिस इसको यूज़ करती है, सिक्योरिटी गार्ड्स इनको यूज़ करते हैं या क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अच्छी ड्रग थी उसकी, बहुत अच्छी बनाई थी उसने, जो भी बनाई थी। बट उसने क्या किया? ही स्टील्स मनी फ्रॉम द स्टोर एंड क्लर्सीमैन हाउस, बट उसने इसके ऑपोजिट क्राइम करने के लिए यूज किया। देखो क्राइम किया उसने, पहले उससे स्टोर से मनी चोरी की, जो वहाँ पे शॉपकीपर था उनसे, उनको हिट किया, उनसे मनी चोरी की। आफ्टर दैट क्लर्सीमैन के हाउस से मनी चोरी की। आफ्टर दैट इवन के ही वीट्स ऑफ द पुलिसमैन, उसको भी वीट किया, ठीक है, वो है कम टू अरेस्ट हिम, उसको पकड़ने के लिए आया था। सो दिस वाज कर्स, दिस वाज द बैड। आपको इसमें से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ग्रिफिन वाज अ गुड साइंटिस्ट एंड एज वेल एज बैड ह्यूमन बीइंग, एलैबोरेट योर आंसर। साइंटिस्ट, डिस्कवरी उसकी बहुत अच्छी थी, उसने जो डिस्कवर किया था, अपने रेयर डे डिस्कवर किया था, बहुत अच्छी डिस्कवरी की थी, बट एज अ ह्यूमन ही वाज नॉट अ गुड मैन, ही वाज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज कि उसने क्या किया कि उसने मिसयूज किया था अपनी पावर का। मिसयूज कैसे किया था कि उसने चोरी करने के लिए अपनी इसको यूज किया था, ठीक है। अगर आपने इसको ह्यूमन को, इसको ग्रिफिन को एज अ ह्यूमन बीइंग आपने इसका कैरेक्टर स्केच देना, ही वाज बैड कैरेक्टर। इफ एज अ साइंटिस्ट देना, ही वाज वेरी गुड कैरेक्टर। उनके बीच में एक ऐसा आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डिस्क्राइब योर आंसर if the Griffin was good or bad. If he was scientist, he was a good scientist. If he was a human being, he was not very good because he stole money and he hit the police officer. He was criminal. So I hope you have understand. Thanks. Have a nice day.